तो जी ये दिन है मंगलवार की सुबह का। यहाँ मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में मैं बना रही हूँ अपने लिए काले चने फ्राई कर रही हूँ। यहाँ मैंने हींग जीरा सरसों सब डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी करी पत्ता। और करी पत्ते को थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है क्योंकि बड़ा बड़ा पत्ता होता है ना तो खाने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। और मैं करी पत्ता हमेशा खाती हूँ, उसको ना अलग निकाल के नहीं रखती, मेरी बेटी जो है ना साइड में निकाल के रख देती है, ठीक है। और यहाँ चने मैंने डाल दिए हैं, ऊपर से हरी मिर्ची डाल दी और थोड़ा सा नमक, बस इसको मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी। तो गाइज़ मैंने ना जो मैं खाना आज आपको दिखा रही हूँ ना, मैंने यही खाना खा के ना, मतलब इस तरीके का खाना खा के मैंने एक साल में ना अपना 25 किलो वज़न कम किया है। और ये बात सच है क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा मेरा वेट था, मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया था कि अगर तुमने वेट कम नहीं किया तो तुम ज़्यादा दिन जी नहीं पाओगी, ये वो सब बोला। तो मैंने ना फिर डाइटिशियन हायर की डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पर ही, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, डाइट प्लान दिया और मैं आज 25 किलो वज़न कम के साथ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और ये बाजरे की ज्वार की रोटी मैं यहाँ बना रही हूँ, मैं इसको गर्म पानी से आटे को गूँथ रही हूँ क्योंकि ये आटा ना थोड़ा क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है तो ये जुड़ता नहीं है जल्दी से। पहली रोटी मैं हाथ से बना के देख रही थी, वो नहीं बनी, तो फिर मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया, उस पर स्प्रेड किया अच्छे से और रोटी बन गई। मैं इसको बिना घी लगे खाऊंगी क्योंकि मुझे घी लगी हुई रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दो रोटी बनाई थी और आप यकीन मानना मुझे इतना अच्छा लगा ना ये खा के, पेट भर गया, लेकिन ना ऐसा नहीं लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया है। क्योंकि आप दो रोटी वैसी गेहूँ की खा लो तो आपको बहुत हैवी हैवी लगेगा, ठीक है, क्योंकि चना भी हैवी होता है, बट बहुत ही अच्छा लगा। मैंने दो रोटी अपने लिए बनाई और फिर मैंने नाश्ता किया और यह है मेरा हेल्दी सा नाश्ता। मैं चाय पर्सन नहीं हूँ तो मैं चाय नहीं पीती हूँ। रात की थोड़ी मूली की भुर्जी रखी थी, मैंने वो भी ले ली। फिर पूरे दिन मैंने कुछ नहीं किया, मतलब घर के ही काम किए, वीडियो नहीं ली। फिर माँ बेटी चले गए जी, रात को हम लोग मेहंदी लगवाने 9 बजे गए और हमारी मेहंदी 15-20 मिनट में लग गई और हम घर आ गए और फिर हम जो है सो गए खाना खा के। फिर यहाँ पे है ये नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे मैं सुबह से तो मैंने राखी नहीं की थी क्योंकि भद्रा लगा हुआ था, तो मैं शाम को कर रही थी अपने कान्हा जी की। मैं यहाँ पे घर पे जाने वाली हूँ अभी अपने मायके अपनी मम्मी के यहाँ, तो उससे पहले मैं पहले अपने लड्डू गोपाल जी की राखी कर रही हूँ क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानती हूँ, तो पहले मैं उन्हीं को राखी बांधती हूँ और यहाँ पे मैं जो है अच्छे से उनको राखी बांध दूंगी, ठीक है। तो गाइज़ मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आप ज़रूर से इसको पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक दिन ना मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगी कि मैंने क्या क्या खाया, क्या क्या छोड़ा और किस हिसाब से मैंने अपना, किस तरह से मैंने अपना 25 किलो वज़न कम किया। अभी भी मुझे जो भी देखता है ना वो सब कहते हैं कि वाह कितना वेट कम हो गया, कितनी पतली हो गई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, मेरे लड्डू गोपाल जी को मैंने राखी बांध दी है और यहाँ पे जो है अभी थोड़ी देर में कैब आ जाएगी और फिर मैं घर जाऊँगी। तो हमेशा यही होता है कि राखी जन्माष्टमी दो दो दिन की मनाते हैं लोग, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पता नहीं किसकी बात सुने किसकी नहीं सुने। देखिए माधव कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरा संपन्न हो गई है ये पूजा और राखी और अब मैं आ गई हूँ मंदिर वाले कमरे से बाहर और कैब आ गई है, अब मैं जा रही हूँ घर पे। तो यहाँ पे मैं घर पे पहुँच गई हूँ, 9 बजे मैं घर में पहुँची, 9:30 बजे तक मेरे भाई तैयार हो गए थे तो मैंने जल्दी से इनको राखी की और टीका किया। फिर उसके बाद जो है भाभियों को किया, भतीजों को किया, लेकिन वो क्लिप्स जो है मैंने इसमें ऐड नहीं की है, बाद में करूँगी। फिर उसके बाद पता है हम लोग रात को 1 बजे घर पे आए और हम प्रियंका ने पता है रात को 1 बजे रक्षाबंधन किया और इस बार थोड़ा मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि कोई तरीका ही नहीं था कि रात को 1 बजे राखी बांध रहे हैं, फ़ोटोज़ भी नहीं खींचे बच्चों के, तो ऐसा ही था बस।